बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पोलियो की बात करें तो ये कंटेक्टियस डिजीज़ है, ख़तरनाक बीमारी है और ये अमूमन बच्चों में, चिल्ड्रन में फैलती है। इसका काजल एजेंट पोलियो वायरस है जो कि छोटा तरीन वायरस है दुनिया का, स्मॉलेस्ट वायरस है। पोलियो जो है ये आरएनए वायरस है, वो स्मॉलेस्ट वायरस इसको कहते हैं। ये नॉन सफेरिकल, सॉरी सफेरिकल है और नॉन इनवेलप, नॉन इनवेलप, नॉन इनवेलप एक्शन होता है इसका। इसके साइंस और सिम्टम्स देखें, साइंस और सिम्टम्स क्या है, ये लानते हैं कौन सी है। पोलियो वायरस हमारे ये स्पाइनल कार्ड थोड़ा मगज इसको कहते हैं, उसके ऊपर अटैक करता है और हमें ये मफलूज कर देता है, पैरालाइज कर देता है, पैरालाइज कर देता है। एट्रोफी, थकन थकावट पैदा होती है और हमारे मसल डिफॉर्मेटी काम करना छोड़ देते हैं। पोलियोमाइलिट को जो है इन्फेंटाइल पैरालिसिस के तौर पर भी जाना जाता है, इन्फेंटाइल पैरालिसिस, इन्फेंटाइल पैरालिसिस के तौर पर इसको जाना जाता है दुनिया में। इसका कंट्रोल कैसे करते हैं, पोलियो को कंट्रोल करने के लिए वैक्सीनेशन को पता है, हेल्थ वर्कर घर घर जाकर जो है पोलियो की वैक्सीनेशन कर रही है। बट फिर भी कुछ जैसे लेस डेवलप कंट्रीज हैं, हमारे पाकिस्तान के अंदर भी कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ अभी भी पोलियो के केसेस मौजूद हैं, क्योंकि वहाँ एजुकेशन की कमी है, वहाँ के लोग जो है वैक्सीन वालों से तावन नहीं करते। दहशतगर्दी भी एक फैक्टर था जिसकी वजह से जगह जगह जो है वैक्सीन ना लगाई जा सकी। तो हमें तावन करना चाहिए, जो वैक्सीनेटर आते हैं पोलियो वाले उनसे तावन करना चाहिए ताकि ये एक मौजी मर्ज जो है उससे जो है छुटकारा हासिल किया जा सके।